गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड बेबी डिटर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज जो हमें अपने ट्रैवल बैग में रखने की जरूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बेसिकली व्हेनेवर आई ट्रैवल विद माय बेबी तो मैं टू ट्रैवल बैग्स अपने पास रखती हूँ। एक तो बेबी का ट्रैवल बैग होता है और एक मेरा ट्रैवल बैग होता है। ऑल्दो अपने ट्रैवल बैग में भी मैं बेबी की कुछ ना कुछ सामान जो है वो जरूर लेके जाती हूँ, बट जो है स्टिल आई कीप द बेबी ट्रैवल बैग एंड माई ट्रैवल बैग सेपरेट। क्योंकि क्या होता है कि मैं आदत डाल रही हूँ अपने बेबी को कि वो अपना ट्रैवल बैग जो है वो खुद कैरी करे। अभी वो खुद कैरी नहीं करता बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि उसको एक हैबिट हो कि वो अपना ट्रैवल बैग को खुद कैरी करे। तो इसलिए जो है मैं सेपरेटली उसका ट्रैवल बैग और अपना ट्रैवल बैग जो है वो बनाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं बेबी के ट्रैवल बैग में जो बेसिक चीजें जो है वो क्या लेके जाती हूँ व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग विद माई बेबी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई कीप इन माई बेबीज ट्रैवल बैग इज द डायपर चेंजिंग मैट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है डायपर चेंजिंग मैट, बिकॉज यू नेवर नो कि बेबी जो है वो अपना डायपर कहाँ गंदा कर रहा है और आपको कहाँ जरूरत पड़े बेबी का डायपर चेंज करने की। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज टू कैरी द डायपर चेंजिंग मैट अलॉन्ग विद यू, ताकि बेबी का डायपर जो है वो ईजिली जो है वो चेंज कर सके। अलॉन्ग विद दैट आई कीप डायपर। बेसिकली दो तरह के डायपर मैं यूज करती हूँ बेबी के लिए। एक तो प्रीमियम पैम्पर्स का प्रीमियम डायपर और एक नॉर्मल डायपर जो आता है। प्रीमियम डायपर्स में ये होता है कि अगर हमें लॉन्ग किधर जर्नी करनी है तो ये काफी देर तक जो है बेबी का यूरिन जो कंटेंट जो है वो सोक करता है और काफी देर तक ये डायपर निकल जाता है। और जो दूसरा नॉर्मल डायपर है वो इतना उसकी सोकिंग कैपेसिटी नहीं है एज कम्पेयर टू दिस डायपर। सो वेन आई एम ट्रेवलिंग विद माई बेबी तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये प्रीमियम डायपर जो है वो बेबी का कैरी करती हूँ। सो आई इन द ट्रैवल बैग आई जस्ट कीप वन और टू डायपर्स अलॉन्ग विद मी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द डायपर्स मैं सूटकेस में कैरी कर देती हूँ। तो एक इमरजेंसी के लिए एक डायपर्स आई कीप इन द ट्रैवल बैग ऑफ द बेबी। उसके अलावा डायपर को डिस्पोज करने के लिए कोई भी डिस्पोजेबल्स जो है आई कीप अलॉन्ग विद मी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट कैरी वन पेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेट कि इन केस अगर बेबी के क्लोथ गंदे हो जाएं या बाय चांस कोई वेदर कंडीशन इस तरह की हो जैसे रेनी वेदर हो तो तब भी बेबी के कपड़े गीले हो जाएंगे, तब भी चेंज करने पड़ेंगे। कई बार डायपर से भी क्लोथ जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ अलॉन्ग विद द इनर आई कीप इन द बेबीज ट्रैवल बैग। अपार्ट फ्रॉम दिस एक वॉश क्लोथ हमेशा बेबी के ट्रैवल बैग में रहता है। उसके अलावा बेबी का मॉइस्चराइजर, और क्योंकि अब जो है वो वेदर चेंज हो रहा है और विंटर सीजन अप्रोच कर रहा है तो एक बेबी का एक पेयर ऑफ सॉक्स भी मैं अपने पास रखती हूँ उसके ट्रैवल बैग में। और अपार्ट फ्रॉम दिस बेबी की हेयर एक्सेसरी, जैसे कि अब मेरे बेबी की हेयर एक्सेसरी अभी तक स्टिल इट्स जस्ट रबर बैंड विच आई कीप अलॉन्ग विद मी, तो वो मैं रबर बैंड रखती हूँ। तो अगर आपकी जो है चाइल्ड जो है वो गर्ल है तो उसकी कई एक्सेसरीज आ जाती है हेयर एक्सेसरीज, तो आप वो भी अपने बेबी के ट्रैवल बैग में रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स अ फीडर कवर आई ऑलवेज कीप अलॉन्ग विद मी, क्योंकि बेबी का जो वाटर सिपर है और उसका जो फीडर है वो भी मैं बेबी के ट्रैवल बैग में रखती हूँ। तो फीडर कवर भी मैं बेबी के ट्रैवल बैग में रखती हूँ ताकि उसकी फीडर को प्रॉपरली कवर करके मैं उसको मिल्क दे सकूं। सो दिस इज ऑल द थिंग्स विच आई कीप इन द बेबीज ट्रैवल बैग। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई गोना शो इज व्हाट आई कैरी इन माई ट्रैवल बैग। वैसे तो मैं अपने ट्रैवल बैग में बेबी की नेसेसिटीज भी रखती हूँ अलॉन्ग विद माय। तो लेट्स सी, सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है जो हमें अपने साथ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग रखने की जरूरत है दैट इज अ सैनिटेशन स्प्रे सैनिटाइजर। क्योंकि हम किधर रुक रहे हैं कई बार एक किसी जगह पे हमें जरूरत पड़ सकती है एनी टाइम, इट माइट बी अ नीड ऑफ कैरिंग अ सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर स्प्रे हमेशा मेरे साथ होता है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग एंड दिस इज अ हैंड वॉश विच आई कैरी अलॉन्ग विद मी। उसके अलावा क्योंकि जो वेदर कंडीशन इस टाइम चल रही है दैट इज बहुत सारे मस्कीटोज जो है वो वेदर में है, तो एक मस्कीटो पैचेस जो है मैं अपने साथ जरूर कैरी करती हूँ बेबी के, बेबी
देखा कंपनी के मॉस्किटो पैचेस हैं, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के मॉस्किटो पैचेस जो है वो अवेलेबल होते हैं। ये तो ये मैंने बेबी हग कंपनी के मॉस्किटो पैच जो है वो अपने साथ में रखती हूँ। उसके अलावा दिस इज द इंसेक्ट रिपेलेंट मॉस्किटो स्प्रे है, ये मदर स्पर्श कंपनी का, ये भी मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। उसके अलावा जो बहुत जरूरी चीज होती है, एक मॉइस्चराइजर हमारे पास हमारे ट्रैवल बैग में जरूर होना चाहिए। देयर इज द बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स मैं कभी अपने ट्रैवल बैग में रख लेती हूँ, कभी बेबी के ट्रैवल बैग में रख लेती हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मैं अपना ट्रैवल बैग और बेबी का दोनों ट्रैवल बैग जो है वो हैंडी रखती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ। तो इन नीड जब भी नेसेसरी हो, अर्जेंट हो हमें, तो मैं अपने ट्रैवल बैग से या बेबी के ट्रैवल बैग से जो ये नेसेसिटीज जो है वो निकाल के यूज कर लेती हूँ। तो बेबी वाइप्स जो है वो मस्त है, बेबी वाइप्स मैं अपने ट्रैवल बैग में जरूर रखती हूँ। इसके अलावा कभी भी डायपर चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, तो कई बार बेबी को जो है वो डायपर रैश हो जाती है, तो डायपर रैश क्रीम भी हम अपने ट्रैवल बैग में हमेशा आप रखें। मैं अपने ट्रैवल बैग में हमेशा डायपर रैश क्रीम जो है वो रखती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक एंटीसेप्टिक क्रीम, जब आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो एक एंटीसेप्टिक क्रीम अपने बैग में जरूर रखिएगा। तो आई कीप एन एंटीसेप्टिक क्रीम अलॉन्ग विद मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपकी बेबी को पसंद है, कोई भी एक टॉय या कोई भी एक बुक जो है वो आप अपने ट्रैवल बैग में जरूर रखिए। लाइक मेरे बेबी को कार्स और बुक का बहुत शौक है, तो बुक भी मैं साथ में ट्रैवल बैग में कैरी कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं टू कार्स जो है उसकी जो फेवरेट कार है वो अपने साथ कैरी कर रही हूँ, ताकि इनकेस अगर वो किधर उसको जरूरत पड़ती है अपने फेवरेट टॉय यूज करने की तो वो यूज कर सकता है। एक बेबी सीजर मैं अलॉन्ग विद मी जो है वो कैरी कर रही हूँ अपने ट्रैवल बैग में। अपार्ट फ्रॉम दिस बेबी कॉम्ब है मेरे ट्रैवल बैग में, और एक स्कार्फ जो है मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि स्कार्फ का कई बार क्या होता है कि कार में सनलाइट आ रही है तो आप तब भी उसको यूज कर सकते हैं बेबी को कवर करने के लिए, या फिर आप किधर जा रहे हो तो बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने लिए भी हम जो है वो बेबी जो एक स्कार्फ है हमेशा मेरे ट्रैवल बैग में जो है वो रहता है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स विच आई कैरी इन द ट्रैवल बैग। अपार्ट फ्रॉम दिस कार में मैं एक बेबी ब्लैंकेट रखती हूँ, ताकि चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, वेदर इट्स समर और विंटर, लेकिन कार में एसी चल रहा होता है ड्यूरिंग द समर्स ऑल्सो, सो इट्स बेटर कि एक बेबी ब्लैंकेट हमेशा आपके साथ, या बेबी शीट आप कह सकते हो, आपके साथ हमेशा रहे, ताकि अगर बेबी को जरूरत पड़े तो आप इजिली बेबी को वो बेबी ब्लैंकेट या बेबी शीट जो है वो दे सके। इफ योर बेबी इज स्मॉल, अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ, जैसे कि जीरो से राइट फ्रॉम द न्यू बॉर्न टू सिक्स मंथ्स की जो बेबी है, अगर आपका बेबी इतना बड़ा नहीं हुआ न्यू बॉर्न से सिक्स मंथ्स तक, आपके ट्रैवल बैग में जो बेसिक नेसेसिटी है दैट इज ऑफ द बर्थ क्लोथ ऑल्सो। अगर बेबी जो है वो छोटा है तो बर्थ क्लोथ भी आप जरूर अपने ट्रैवल बैग में साथ कैरी कीजिए, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव दैट बर्थ क्लोथ अलॉन्ग विद यू, क्योंकि कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। सो दीज वर ऑल द थिंग्स विच आई कैरी इन माई बेबी ट्रैवल बैग एंड माई ट्रैवल बैग। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।